आए दिन खतरों को अंजाम दे रहे हैं। खनन विभाग के ओवरलोड ट्रक, खनन विभाग के आला अधिकारी नहीं लगा पा रहे पाबंदी। खनन विभाग की ओवरलोडिंग पर रोक टोक न करने के कारण खनन माफिया से जुड़े लोग मोरंग खदानों से बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा निकाल कर नदियों की सुंदरता को तो खराब ही करते हैं, और ओवरलोड ट्रक निकलने से किसानों की खेती का नुकसान बड़ी मात्रा में हो रहा है। ट्रकों में अधिक मात्रा से ज्यादा भार लादने से जब पक्की सड़कें उनका भार नहीं सकती, तो किसानों के खेतों को बगल से निकालने वाली रास्ता भार न सह पाने के कारण ट्रक आए दिन जमीन फाड़ कर पलट जाते हैं, या तो कुछ पार्ट तोड़कर किसी न किसी के घर को तोड़ना या किसी हाईवे का जाम का कारण बन जाता है। ऐसे में प्रशासन देखकर मुंह घुमा लेता है, जिस कारण के चलते आम पब्लिक परेशानी का सामना उठा रही है। पूरा मामला जिला हमीरपुर के थाना सुमेरपुर के पास ग्राम पंधरी का है, जहां आज सुबह करीबन 4 बजे भरे मोरंग का ओवरलोड ट्रक किसी पार्ट टूटने के कारण अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा, जिस मकान पर कम आघात पहुंचने के कारण मकान में रह रहे लोगों को तो कोई हानि नहीं पहुंची। ऐसी घटना को देखकर सुबह 4 बजे से कोई प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके वारदात पर नहीं पहुंचा, ताकि घटना की जांच कर सके। कैसे क्या हुआ इसका? अरे देख रहे हो, ये कहाँ घुस गया, कोई नुकसान हो गया तभी तो हो गया है। नहीं तो ये इतना ओवरलोड क्यों लादे हो? हमें लेके जा रहे क्या? नहीं नहीं, किसने कहा था आपसे लादने के लिए? मालिक कही हो भाई? मालिक कहाँ की है गाड़ी? कानपुर की है। मालिक का नाम क्या है? विशु गुप्ता। क्या नाम है? विशु गुप्ता।